नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टर्व तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन इसी उम्मीद के साथ रोज की तरह आज भी आपका स्वागत करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने भविष्य के निर्माण के लिए तैयारी में जुटे हुए होंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा जिसके लिए संस्थान के द्वारा बैच चलाया जा रहा है और बैच शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है 7 तारीख से, और इसमें निरंतर वीडियो जा रहे हैं। जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो आपको बता सकते हैं कि किस ईमानदारी पूर्वक आपकी क्लासेस संचालित की जा रही हैं। अभी हम लोग ये अपनाते हैं कि क्लास एक लेक्चर पूरा होने के बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम अपने विषय की बात कर रहे हैं, यहां पर मैं डेली आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहा हूं, उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पर कौन सी संरचना पाई जा रही है, साथ ही साथ कहां पर कौन से भौतिक प्रदेश हैं। भौतिक प्रदेशों का मतलब होता है कि हमें उच्चावच देखने होते हैं, कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, कहां पर मैदानी भाग है, ठीक ना। इन सबको हमें जानना है। यहां से अगर आपने इस वाले पोर्शन को समझ लिया तो यहां से आपके 3 टॉपिक बड़े आसानी से क्लियर होंगे। एक, उत्तर प्रदेश की मिट्टी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो वन संपदा है, उत्तर प्रदेश की वनस्पति हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जलवायु आपको बहुत अच्छे समय में आ जाएगी, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उच्चावच क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आइएगा तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले भूगर्भिक संरचना देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना देखिएगा। भूगर्भिक संरचना के आधार पर, हालांकि मैंने भारत की भी भूगर्भिक संरचना पढ़ाई है पेड बैचों में, भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम किस चीज का अवलोकन करते हैं, तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम उस क्षेत्र की खनिज संपदा का, कहां पर कौन सा खनिज है, खनिज संपदा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो हम अध्ययन करते हैं खनिज संपदा का, कहां पर कौन सी खनिज संपदा पाई जा रही है, ठीक ना। तो भौतिक प्रदेशों में प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, यहां पर मैंने एक उत्तर प्रदेश का मानचित्र लिया है, हालांकि थोड़ा सा आपको हो सकता है धुंधला दिखाई दे रहा हो, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिएगा, देखिएगा, जब भी आपको मैं, देखिएगा यहां पर ना केवल आपको फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने पहले ही दिन कहा था कि हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो है कंसेप्ट, कैसे किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें ऊपर वाली दिशा की, तो ये उत्तर प्रदेश की उत्तरी दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तरी दिशा है ये। और अगर नीचे वाली दिशा की बात करते हैं तो ये दक्षिण हो जाएगी, आगे वाली पूर्व और पीछे वाली पश्चिम। उत्तर प्रदेश के उत्तर में यहां पर एक देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। किस देश के साथ सीमा साझा होती है? नेपाल के साथ। किस देश के साथ होती है? नेपाल के साथ यहां पर सीमा साझा होती है। चलिएगा, और नेपाल में यहां पर पर्वतों का विकास है नेपाल में, और जो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल संलग्न पर्वत है, इस संलग्न पर्वत का नाम है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो एकदम उत्तर में यहां पर शिवालिक हिमालय है। क्या है? शिवालिक हिमालय। अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए एक पर्वत जाता है यहां से, और यहां पर जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है विंध्यांचल। पर्वत का नाम क्या है? तो यहां पर जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? विंध्यांचल। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ललितपुर से लेकर यूरेनियम के लिए जाना जाता है, खनिज संपदा में पढ़नी है अभी, ललितपुर से लेकर जो पूरा सोनभद्र का तक का क्षेत्र है, जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये भारत का पूरा ये पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये पठारी क्षेत्र है। पठार, यानी उत्तर में
पर्वतीय क्षेत्र है तो दक्षिण में, दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में यहां पर दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। अगर हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक जो हिमालय है वो हिमालय का भाग है और हिमालय का ही सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण टर्सरी क्रम की चट्टानों से, टर्सरी युग की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो है टर्सरी युग की चट्टान है और पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। क्योंकि मैंने आपको भारतीय भूगोल में पढ़ाया है कि हिमालय की उत्पत्ति दो प्लेटों के टकराने से हुई, एक का नाम है यूरेशियन प्लेट और दूसरी प्लेट का नाम क्या है भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक सागर था जिसका नाम था टैथिस सागर। जब टैथिस सागर में, टैथिस सागर के अवसादों का उत्थान हुआ, उत्थान की प्रक्रिया हुई, तभी जाके कौन सा पर्वत बना, तो जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसका नाम हिमालय और हिमालय का ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय जो है वो टर्सरी युग की चट्टानों से निर्मित है। साथ ही साथ शिवालिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या मिलती है, अवसादी चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें मिलती हैं? अवसादी चट्टानें। तो ये जो संरचना है उत्तर प्रदेश के उत्तर में वो शिवालिक हिमालय और टर्सरी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। किन चट्टानों से निर्मित है? टर्सरी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। अगर हम बात करें पठारी क्षेत्र की, तो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत यहां से ललितपुर से लेके जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, उत्तर आपके इलाहाबाद का कर्छना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ आपका जो सोनभद्र का क्षेत्र है वो बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। और ये जो बुंदेलखंड का विस्तार अधिक है इसलिए हम बुंदेलखंड की चर्चा करते हैं। पठारी क्षेत्र में हम किस पठार की चर्चा कर रहे हैं? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड जो है ये प्राचीन ग्रेनाइट नीश चट्टानों से निर्मित है। प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीश चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है? प्राचीन ग्रेनाइट और नीश चट्टानों से निर्मित है। इन प्राचीन और ग्रेनाइट नीश चट्टानों में बालुका पत्थर, फेल्सपार, क्वार्टाइज, इनके अवशेष पाए जाते हैं या इन खनिजों की उत्पत्ति होती है यहां से। तो ग्रेनाइट नीश चट्टानों से निर्मित है इसलिए यहां पर जैसे फेल्सपार हो गया, जैसे बालुका पत्थर हो गया, बालुका पत्थर और क्या हो गया आपका क्वार्टजाइट हो गया, इन सब की प्राप्ति होती है। और अगर हम इनके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है इसलिए इनको हम एक नाम दे देते हैं भवन निर्माण सामग्री। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति होती है, तो उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्र से भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति होती है वह है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये तो बुंदेलखंड की बात हो गई। अगर इस बघेलखंड क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र की बात करते हैं ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगर हम बघेलखंड क्षेत्र की बात करें, बघेलखंड पठार, तो इसका अधिकांश विस्तार सोनभद्र जिले में है और यहां से भी जैसे जिप्सम की प्राप्ति होती है, यहां पे जिप्सम की प्राप्ति होती है, यहां से सैल खड़ी की प्राप्ति होती है, जिप्सम सैल खड़ी, यहां से बालुका पत्थर की प्राप्ति होती है, बालुका पत्थर, और इन सब का उपयोग भी भवन निर्माण में किया जाता है। जिप्सम जो होता है, जिप्सम कच्चा माल होता है और इस जिप्सम से जिस पक्के पदार्थ का उपयोग किया या निर्माण किया जाता है, जिस सामग्री का निर्माण किया जाता है उसका नाम है सीमेंट। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सीमेंट उद्योगों का विकास किया गया, प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का विकास किया गया है। आपको ऑप्शन में मिलते हैं चुर्क एवं चुनार। क्या ऑप्शन मिलते हैं? चुर्क एवं चुनार क्षेत्र ऐसे हैं जहां से जिप्सम की प्राप्ति होती है, ठीक ना, किसकी प्राप्ति होती है? जिप्सम की। तो अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है चुर्क कहां है, के डिस्ट्रिक्ट में है और चुनार किस जिले में है, ठीक ना, दोनों के जिले बताने हैं। यहां पर कच्चे माल के रूप में जिप्सम की प्राप्ति होने के कारण ही किसका विकास किया गया है, तो यहां पर विकास किया गया है सीमेंट उद्योग का।
किसका विकास किया गया है? तो यहां पर विकास किया गया है सीमेंट उद्योग का। तो अगर बात की जाए कि उत्तर, तो उत्तर उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से बहुत कम हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सर उत्तर और दक्षिण की, तो बात हो गई, ये मिडिल वाला भाग बचा है। तो इस मध्यवर्ती भाग से, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग से, यहां से एक नदी बहती है इस प्रकार गंगा, और यहां से एक नदी बहती है यमुना, यहां से और भी उसकी सहायक नदियां बहती हैं, यहां से और भी उसकी छोटी छोटी सी सहायक नदियां हैं। तो ये गंगा और उसकी सहायक नदी के बीच का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? गंगा। उत्तर प्रदेश का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विकास है, यानी ये वाला क्षेत्र जो है वो मैदान है। इस वाला क्षेत्र क्या है? मैदान है, और मैदान होने के कारण ही इस क्षेत्र की उत्पादकता उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग की अपेक्षा क्या है? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार कहा जाता है। यहां पर न केवल गन्ना, गन्ना के साथ साथ गेहूं, गेहूं के साथ साथ चावल, और चावल के साथ साथ सब्जियों की यहां पर भरपूर मात्रा में कृषि की जाती है। अब एक मैं पीसीएस का आपको प्रश्न पूछता हूं, देखिएगा, ऐसा मत समझिए सर हम लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, पीसीएस के लिए बोल रहे हैं, नहीं। तैयारी कोई भी करिएगा, प्रश्न आएगा तो प्रश्न को छोड़िएगा मत। एक बार प्रश्न पूछा गया कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी स्थान से सबसे दक्षिणी स्थान की ओर यात्रा करता है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी छोर से सबसे दक्षिणी छोर की ओर यात्रा करता है, उसे कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से, उसे क्रम से कौन से भौतिक प्रदेशों से गुजरना होगा? तो ये पूरा सहारनपुर का क्षेत्र है, सहारनपुर क्षेत्र से लेकर और महाराजगंज तक का जो क्षेत्र है, यहां पर देखा जाए तो ये पर्वत पादीय क्षेत्र है। यहां पर तराई का मैदान, खादर का मैदान पाए जाते हैं। अभी हम भौतिक प्रदेशों में अभी इसको और आगे डिफाइन करेंगे। तो अगर ऊपर से चले तो यहां पर है, पहले हमें पर्वत मिलेगा, फिर मैदानी भाग मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा? फिर हमें पठारी क्षेत्र मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से निम्न है? उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से निम्न है। यहां पर तो पठारी क्षेत्र से तो इतने सारे खनिज मिल जाते हैं, अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो तराई और भावर के मैदान पाए जाते हैं। पर्वत पादीय क्षेत्रों का जो सबसे निम्न स्थान होता है, जो सबसे निचला स्थान होता है, उसे भावर कहते हैं, और भावर के दक्षिण में जो होता है उसको तराई कहते हैं। तो भावर और तराई के क्षेत्र में चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं, चूना पत्थर अधिक मात्रा मिलता है, क्योंकि नदी अपने साथ चूना पत्थर को बहाकर लाती हैं। उसी चूना पत्थर का उपयोग तराई के लोग दीपावली के समय घर की पुताई में भी कार्य करते हैं। तो चूना पत्थर भी एक प्रकार का क्या है? खनिज है। तो उत्तर में खनिज मिलता है, दक्षिण में खनिज मिलता है, लेकिन मध्यवर्ती भाग में कोई भी खनिज नहीं मिलता है। तो ये तो यहां तक बात हुई उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की, कहां पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तर में टर्शियरी क्रम की चट्टानें, तो बुंदेलखंड पठार पर प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानें, कौन सी? प्राचीन ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। इतनी बात आपको याद रखना है, ये बुंदेलखंड में भी पाई जाती हैं, और यही चट्टानें कहां पाई जाती हैं? यही चट्टानें बघेलखंड में भी पाई जाती हैं। अब यहां से मैंने अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें, तो यहां से हमने भौतिक प्रदेशों को भी डिफाइन कर दिया। उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो किसी किताब में आपको तीन भौतिक प्रदेश मिलेंगे और किसी किताब में आपको दो भौतिक प्रदेश मिलेंगे। सर सही क्या माना जाए? तो सही बाबू आपको दो भौतिक प्रदेश मानना है, क्योंकि शिवालिक हिमालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा पर है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा पर है, वो तो हमने भूगर्भिक संरचना में आपको पढ़ाया है। देखा जाए तो शिवालिक हिमालय का जो सबसे निचला पायदान होता है, वहां पर एक मैदान पाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है तराई, और तराई के दक्षिण में जो मैदान, सॉरी हाँ, तराई के दक्षिण में जो मैदान होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? भावर। तो भावर और तराई के मैदान पाए जाते हैं, और यहां देखा जाए तो ये पठारी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश को दो भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहां तक तो बात हुई उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों की। उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में देखा जाए तो कई सारी किताबों में ये लिखा मिलेगा आपको, कई सारी किताबों में लिखा मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में तीन भौतिक प्रदेश है, और कई सारी किताबों में लिखा मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में दो भौतिक प्रदेश है। तो अगर दो और तीन की बात की जाए
तो उत्तर प्रदेश में हिमालय से देखा जाए तो दो भौतिक प्रदेश है भाई। शिवालिक हिमालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि शिवालिक हिमालय तो नेपाल में है, और नेपाल से या पर्वत पादियों से जो लगा क्षेत्र होता है उस सबसे निचले वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस वाले क्षेत्र को हम भावर कहते हैं, और भावर के तराई में, भावर के दक्षिण में जो मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, अगर इतनी इसकी बात करूं तो उत्तर प्रदेश को दो भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, एक मैदानी क्षेत्र, एक मैदानी क्षेत्र और दूसरा पठारी क्षेत्र, एक मैदानी क्षेत्र और दूसरा पठारी क्षेत्र, ठीक ना। आइएगा अब इस मैदानी क्षेत्र और इस पठारी क्षेत्र दोनों को समझते हैं, इस मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र दोनों को समझते हैं। तो यहां पर एक मैं डायग्राम बना लेता हूं, इमेजिन करिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा है इस प्रकार, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है और यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है शिवालिक पर्वत, यहां पर एक पर्वत है और यहां पर जो पर्वत है इस पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है शिवालिक पर्वत। कौन सा पर्वत है, शिवालिक। इस प्रकार से पर्वत होते हैं और पर्वतों के निचले जो क्षेत्र होते हैं जहां पर पर्वतों से आने वाली नदियां सामान्यतः विलुप्त हो जाती हैं, इस निचले वाले क्षेत्र को या पर्वतों के पादीय क्षेत्र को, पाद मतलब पैर, तो पर्वतों के पादीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में एक मैदान पाया जाता है और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो मैदान है इस मैदान का नाम क्या है, जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, इस मैदान का नाम है भावर। इस मैदान का नाम क्या है, तो इस मैदान का नाम भावर है और ये उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 40 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। 30 से 40 किलोमीटर इसकी क्या है, 30 से 40 किलोमीटर की चौड़ाई है। उसके बाद भावर के दक्षिण में लगभग 80 से 90 किलोमीटर, भावर के दक्षिण में 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई में जो क्षेत्र होता है उसको हम तराई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक नाम दे देते हैं और उसको नाम क्या दे देते हैं, सॉरी उसको नाम क्या दे देते हैं, तराई। यानी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या, भावर, और भावर के दक्षिण में तराई। इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों को हमने दो भागों में यहां पर बांटा, एक को नाम दे दिया एक को नाम दे दिया भावर और एक को नाम क्या दे दिया, एक को नाम दे दिया तराई। अगर हम भावर की बात करें तो पर्वत पादीय क्षेत्र, पर्वत पादीय मैदान को हम ऐसा लिख लेते हैं, पर्वत पादीय मैदान को भावर कहते हैं, भावर कहते हैं। सामान्यतः नदियां यहां विलुप्त हो जाती हैं, सामान्यतः नदियां यहां विलुप्त हो जाती हैं। और सामान्यतः नदियां यहां पर विलुप्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी पर्वत है, कोई भी पर्वतनुमा संरचना है, यदि यहां से नदियां प्रवाहित होती हैं तो पर्वतों की एक ढलान होती है, इस ढलान से जब नदी तेज गति से नीचे प्रवाहित होती है तो अपने साथ कई सारे अवसादों को बहाकर लाती है, पर्वतों का क्या करती है, कटाव करती है, कटाव करते हुए नीचे आती है, और जब यहां से बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लाती है तो इस क्षेत्र में क्या करती है, शिलाखंडों को एकत्रित कर देती है। बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं और जब नदी का पानी शिलाखंडों में प्रवेश करता है तो वो शिलाखंड उस नदी के संपूर्ण पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या नदी का पानी नीचे से प्रवाहित होता है, ऊपर नदी का पानी प्रवाहित नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मैदान में सामान्यतः नदियां विलुप्त हो जाती हैं तो आपको इसका आंसर देना है भावर। भावर के मैदान में सामान्यतः नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अब
नदियां विलुप्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि क्योंकि यहां पर अवसादों का क्या होता है, अवसादों का निक्षेपण होता है और उन्हीं अवसादों में नदियां क्या हो जाती, विलुप्त हो जाती है। अब अगर बात करें कि यहां पर सर कौन कौन से अवसाद पाए जाते हैं, तो यहां पर रेत है, कंकड़ है, बालू है, चूना पत्थर के अवशेष है, ये सारे अवशेष यहां पर पाए जाते हैं। तराई की अगर बात करते हैं कि सर तराई क्या होता है, तो भावर के दक्षिण का जो मैदान होता है उसको हम तराई कहते हैं। भावर के दक्षिण का जो मैदान होता है उसको हम तराई कहते हैं। तो तराई में अगर लिखूं मैं कि तराई क्या होता है, तराई भावर का दक्षिणी भाग, भावर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र, भावर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार लिखना है, याद बहुत जल्दी होगा। भावर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। अब भावर क्षेत्र में तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में क्या होती है, नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं, नदियां सतह पर आ जाती हैं। अब जब नदियां तेज गति से सतह पर आएंगी तो इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या हो जाती है, जल भराव या बाढ़ की समस्या हो जाती है, बाढ़ की समस्या। देखिएगा यहां से एक प्रश्न पूछ लिया उसने, SSSC ने प्रश्न पूछ लिया कि कौन सा क्षेत्र सामान्यता बाढ़ से प्रभावित होता है, भावर या तराई या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा, तराई, क्योंकि यहां पर नदियां सतह पर आती हैं और इतना ज्यादा पानी होता है कि इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या हो जाती है, समझ रहे ना। अब जब जल भराव की समस्या हो जाएगी तो उसी को एक नाम दे दिया गया बाढ़, और जब लंबे समय तक पानी यहां पर भरा रहता है तो यहां पर कई सारी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं, कई सारे ज्वर, कई सारे बुखार यहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। तराई का क्षेत्र फीवर यानी बुखार से प्रभावित क्षेत्र होता है, यहां पर बुखार बहुत जल्दी आता है, डेंगू मलेरिया जैसे बुखार यहां पर आमतौर पर आते रहते हैं। गोरखपुर क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, जापानी बुखार के नाम से जानते हैं, जापानी बुखार डेंगू को, जापानी बुखार। एक बार प्रश्न पूछा गया था UPPCS में, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जापानी बुखार से प्रभावित रहता है, उसमें चार ऑप्शन थे, चित्रकूट ऑप्शन था, सोनभद्र ऑप्शन था, बलिया ऑप्शन था और गोरखपुर ऑप्शन था, गोरखपुर। अब कौन से क्षेत्र भावर में आएंगे, कौन से क्षेत्र तराई में आएंगे, आपको जो बिल्कुल नेपाल से सटे हुए होंगे वो भावर, और थोड़ी से जो दूर होंगे वो कौन से, वो हो जाएंगे आपके तराई, ठीक ना। तो यहां पर हम आगे लिख लेते हैं, जल भाव की समस्या जिससे अत्यंत पीड़ादायक बुखार, ठीक ना, अत्यंत पीड़ादायक बुखार जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं या जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। अब भावर तराई के बाद यहां पर देखिएगा तो यहां पर एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है, गंगा, और गंगा के समांतर एक नदी बहती है और जो प्रयागराज में आकर मिल जाती है, इसका नाम है यमुना। यहां पर एक नदी आकर मिलती है टोंस नदी, यहां पर एक नदी आकर मिलती है, छोटी छोटी सी नदियां हैं, गोमती नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, ठीक ना, ये सारी नदियां ऐसी मिलती है। तो एक गंगा और उसकी नदियों का एक अपवाह क्षेत्र है, गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें भी मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, और गंगा नदी के क्षेत्र में दो मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, एक का नाम होता है खादर और एक का नाम होता है बांगर। इसके अंतर्गत हम आगे लिख लेंगे, मैदानी क्षेत्र में कहां पर, मध्य उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश के बीच में, मध्य उत्तर प्रदेश में दो मैदान पाए जाते हैं, एक का नाम है खादर और दूसरे का नाम क्या होता है, तो दूसरे का नाम होता है बांगर। एक का नाम खादर, एक का नाम बांगर। आइएगा इनको समझते हैं, देखिएगा, मान लीजिएगा इस प्रकार से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, कोई नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो नदी क्या करती है, नदी अपने साथ अवसाद लाएगी और नदी ने अपने साथ लाए गए अवसादों को यहां पर एकत्रित कर दिया।
एक जो नया अवसाद आया है, इस नवीन अवसाद को नाम दिया जाता खादर। क्या नाम दिया जाता? खादर। क्या कोई नदी एक ही बार अवसाद लेकर आती है? नहीं, नदी फिर से नदी अपने साथ अवसादों को बहा कर लाएगी। अब मान लीजिएगा नदी ने अपने अवसाद यहां पर एकत्रित कर दिए, अब नदी ने अपने अवसाद मान लीजिएगा यहां पर एकत्रित कर दिए, तो इस प्रकार नदी धीरे 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 अवसादों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण का मतलब होता है अवसादों को एक स्थान पर आकर रोक देती है। जब कोई नदी अवसादों को एक स्थान पर आकर रोक देती है तो जो आज आया वो नवीन हो गया, जो कल आएगा अब वो नवीन हो जाएगा, और जो पिछले दिन आया था वो प्राचीन हो जाएगा। यानी पहले येलो वाला आया तो ये नवीन था, उसके बाद एक ग्रीन वाला आ गया तो अब नवीन कौन है? अब नवीन है ग्रीन, और येलो वाला क्या हो गया? येलो वाला हो गया प्राचीन। तो मध्य उत्तर प्रदेश में यानी मैदानी क्षेत्र में, मध्य उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र यानी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र, इसमें जो नदी अभी अभी जलोढ़ मृदा को या अवसादों को बहा कर लाई है उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। अब ये बताइएगा, अगर इसको नवीन जलोढ़ मृदा कहेंगे तो नवीन जलोढ़ मृदा कहां पाई जाएगी? जहां पर नदियां तट से टकरा रही होंगी, यानी तटीय क्षेत्रों में। कहां पाई जाएगी? तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और तटीय क्षेत्रों में जब ये पाई जाएगी तो अभी अभी लाई गई है, और अभी अभी लाई गई है, और इसमें अभी तक कृषि कार्य नहीं किए गए हैं, इसलिए यहां पर कृषि कार्य होंगे, और इस मिट्टी की जो उपजाऊपन होगा, इसका जो इसका उपजाऊपन होगा वो क्या होगा? इसका उपजाऊपन अधिक होगा। अगला समझिएगा, तटीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण यदि अधिक मात्रा में नदी में पानी आ जाता है तो इस क्षेत्र में क्या आ जाएगी? इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। तो अगर हम आपसे बात करें कि खादर मिट्टी कहां पाई जाएगी, नदी के तटीय क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर बाढ़ आने की संभावना अधिक होगी। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है, और उपजाऊ अधिक होने के कारण ही यहां पर अधिकांश मात्रा में सब्जी, यहां पर अधिकांश मात्रा में गन्ना, और यहां पर अधिकांश मात्रा में धान की कृषि की जाती है। अब देख लीजिएगा, कोई भी आप देख लीजिएगा, कोई भी नदी का क्षेत्र देखिएगा, नदी में पानी कम होगा वहां पर देखिएगा सब्जियों की कृषि बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, सब्जियों की कृषि बहुत अधिक मात्रा में। अब समझिएगा, जब ये खादर प्राचीन हो जाती है, जब ये खादर कैसी हो जाती है, जब ये खादर मिट्टी प्राचीन हो जाती है तो इसी को क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है बांगर। तो बांगर के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? प्राचीन जलोढ़ मृदा। बांगर क्या हो जाएगी? तो बांगर हो जाएगी प्राचीन जलोढ़ मृदा। कौन सी? प्राचीन जलोढ़ मृदा। तट पे पाई जाएगी या तट से दूर? तो तटीय क्षेत्र से दूर पाई जाएगी। तटीय क्षेत्र से कहां पाई जाएगी? तो तटीय क्षेत्र से दूर पाई जाएगी। प्राचीन जलोढ़ मृदा कहां पाई जाएगी? तटीय क्षेत्र से दूर। तटीय क्षेत्र से दूर अगर पाई जाएगी तो बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाएगी? नहीं, बाढ़ आने की संभावना यहां पर क्या होगी? बाढ़ आने की संभावना यहां पर कम होगी, बाढ़ आने की संभावना कम, बाढ़ आने की संभावना कम। उपजाऊपन पहले से इसमें कृषि होती जा रही है तो खादर मिट्टी की अपेक्षा इसमें उपजाऊपन क्या होगा? इसमें उपजाऊपन कम पाया जाएगा, इसकी उत्पादकता या उपजाऊपन इसका क्या होगा? चाहे हम उपजाऊपन बोलें चाहे उत्पादकता बोलें एक ही बात है, तो इसकी उत्पादकता जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक ना, उत्पादकता इसकी क्या होगी? कम होगी। खादर और बांगर के क्षेत्र में अधिकांश मात्रा में चावल गन्ना गेहूं की कृषि ही की जाती है। तो ये हमने अभी तक एक भौतिक प्रदेश पढ़ा। अब बात करते हैं पठारी क्षेत्र की। पठारी क्षेत्र तो हालांकि मैं आपको पहले समझा ही चुका हूं, चलिएगा एक बार और हम पठारी क्षेत्र की बात आपसे कर लेते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र, तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, और दूसरे का नाम दे दिया गया बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड पठारी क्षेत्र। ठीक ना, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट,
महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और साथ ही साथ इलाहाबाद का करछना क्षेत्र, इलाहाबाद, इलाहाबाद का तक का क्षेत्र इसमें शामिल है। मुख्य रूप से 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, हालांकि इलाहाबाद पूरा नहीं आता, इसलिए इलाहाबाद का जो करछना डिस्ट्रिक्ट है या फिर इलाहाबाद के अंदर मांडा अंडा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ललितपुर, झांसी और जालौन को मिलाकर एक नाम दे दिया इसको, इसको नाम दे दिया गया झांसी मंडल। क्या नाम दे दिया गया इस क्षेत्र को? नाम दे दिया गया झांसी मंडल। और जालौन, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर को मिलाकर एक मंडल नाम दे दिया गया और इसको नाम दे दिया गया चित्रकूट मंडल। क्या नाम दे दिया गया? चित्रकूट मंडल। उसके बाद बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों के कारण यहां पर कौन सी मिट्टी का विकास हुआ है? यहां पर लाल मृदा का विकास हुआ है और लाल मिट्टी होने के कारण यहां पर जो दलहन फसलें हैं, यहां पर दलहन फसल और तिलहन फसल, दलहन फसल, दलहन फसल के अंतर्गत मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चना आता है और साथ ही साथ तिलहन फसल, तिलहन फसल के अंतर्गत बात करें तो तिल से संबंधित या तेल से संबंधित फसलें आती हैं, जैसे सरसों है, जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सारी चीजें तिल है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा तिल उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। तो ये चीजें पाई जाती है बुंदेलखंड पठार की। 2 महत्वपूर्ण नदियां याद रखना है जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, एक नदी का नाम है बेतवा, बेतवा नदी, और एक नदी का नाम है के नदी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, यमुना की सहायक है। बेतवा नदी पर एक बांध याद रखना है आपको जिसका नाम है माता टीला बांध। कौन सा बांध याद रखना है? माता टीला बांध, ये बांध आपको याद रखना है, माता टीला बांध है झांसी जिले में। कहां पर है? झांसी। चलिएगा आगे देखते हैं बघेलखंड पठार। तो बघेलखंड पठार का जो विस्तार है वो सोनभद्र जिले में है। कहां पर है? सोनभद्र जिले में। बघेलखंड पठार पर भी लाल मिट्टी का विकास पाया जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती अधिक की जाती है। बघेलखंड पठार पर लाल मिट्टी, दलहन फसलें उगाई जाती है, यहां पर भी दलहन फसल। बघेलखंड पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी बघेलखंड पठार से होते हुए बहती है, सोन नदी, और सोन नदी की एक सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर ही सोनभद्र जिले में एक कृत्रिम झील या कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ये भारत की एक मानव निर्मित झील है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। यहीं पर सोन नदी पर एक बांध भी निर्माण किया गया है। कहां पर? सोनभद्र जिले में बाण सागर बांध। कौन सा? बाण सागर बांध। और बाण सागर बांध उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है जिसे इन तीनों राज्यों को जल या जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक ना। तो ये आपके भौतिक प्रदेश हो गए जिसमें हमने आपको पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र सब कुछ पढ़ाया है, ठीक ना। नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर इंक्वायरी ले सकते हैं। बैच सफलतापूर्वक संचालित है। धन्यवाद।